हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो इसकी ये लेक्चर 1 है। तो देखिए दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो वेव ऑप्टिक्स जो है वो हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ वेव बिहेवियर ऑफ लाइट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स? जो लाइट है, लाइट का वेव जो बिहेवियर होता है उसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। इसमें हम लाइट के वेव नेचर को और उसके वेव बिहेवियर के जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके वेव बिहेवियर के जो भी उसके पार्ट हुआ करते हैं, उसके हाथ पैर होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं, उनको देखेंगे कि लाइट एज ए वेव क्या क्या इफेक्ट दिखाती है और क्या क्या करती है एज ए वेव। ओके, सो देखो, बहुत समय पहले से ये बात सामने आ चुकी थी लोगों के, साइंटिस्ट के, कि यार लाइट का बिहेवियर क्या है। ओके, तो लाइट का बिहेवियर बहुत सारे साइंटिस्टों ने बोला कि भाई लाइट जो है एज ए पार्टिकल बिहेव करती है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि लाइट जो है एज ए पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म में बिहेव किया करती है लाइट। मगर और बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। और अब पार्टिकल और वेव में तो आप डिफरेंस आई फील समझ रहे होंगे, इस पे तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। बट मेन बात क्या थी कि काफी सारे लोगों ने बोला कि लाइट जो है एज ए पार्टिकल एक्ट करती है, और लाइट जो है काफी सारे लोगों ने कहा एज ए वेव एक्ट करती है। ओके, तो ये साइंटिस्ट में बहुत समय तक तो लेकर के मन मुटाव रहा, बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग बातें करते रहे। एंड बाद में फाइनली एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साइंटिस्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई दोनों सही है। ओके, वैसे मैं बताना तो नहीं चाहता था मगर आपको बता देता हूं, वो साइंटिस्ट थे सर डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने कहा, जो डी ब्रॉगली थे, डी ब्रॉगली ने बताया कि भैया जो लाइट है वो लाइट जो है दोनों की तरह एक्ट करती है, वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है और वेव की तरह भी एक्ट करती है। तो आप लोग लड़ो मत, लाइट में दोनों की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी एट एट सेम टाइम। ओके, आपको लाइट पार्टिकल, अगर आप उसकी पार्टिकल स्टडी करोगे तो आपको पार्टिकल देखने को मिलेगी, और अगर आप इसकी वेव स्टडी करना चाहते हो तो डी ब्रॉगली ने कहा आपको उसका वेव नेचर देखने को मिलेगा। इसलिए डी ब्रॉगली ने जो लाइट का कैरेक्टर बताया कि लाइट जो है वो क्या कैसा नेचर रखती है, दोनों ही नेचर रखती है, एक पार्टिकल भी और एक वेव भी। ओके, तो डी ब्रॉगली ने फाइनली लाइट के कैरेक्टर को बोला कौन सा कैरेक्टर? डुअल नेचर। डी ब्रॉगली ने कहा कि लाइट का जो नेचर है दैट इज कॉल्ड डुअल नेचर। दोस्तों, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि डुअल नेचर से जुड़ी हुई बातें क्या क्या है, बट फिलहाल अभी हमारा टॉपिक जो है वो वेव को एनालिसिस करना है, लाइट के वेव नेचर को एनालिसिस करना है। तो पहले हम पार्टिकल नेचर पर बात ना करके हम वेव नेचर के रूट्स को जानेंगे। ओके, कि वेव नेचर की शुरुआत कहां से होती है, वेव नेचर के बारे में पहली लाइन किसने बोली। तो आइए वेव नेचर के सबसे बेसिक की तरफ चलते हैं कि वेव नेचर आखिर शुरू कहां से होता है, किसने वेव नेचर की पंचायत शुरू करी, किसने आखिर पहला बीज बोया वेव नेचर का, देखेंगे। तो दोस्तों, हम भले ही वेव नेचर के रूट्स में जा रहे हैं, मतलब वेव नेचर का ओरिजिन कहां से होता है, तो इस दिशा में सबसे पहला जो कदम बढ़ता है वो वेव नेचर की तरफ नहीं बढ़ता है, वो बढ़ता है पार्टिकल नेचर की तरफ। ओके, तो सबसे पहला जो कदम आता है, उठता है, वो पार्टिकल नेचर की तरफ चलता है। ओके, तो भले ही हम वेव के, मतलब कि लाइट के वेव नेचर को पढ़ना चाह रहे हैं, मगर लाइट के वेव नेचर की तरफ जो सबसे पहला कदम जो रखा गया वो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग। देखो, ऐसे तो कई सारे साइंटिस्ट थे छोटे मोटे थे, मतलब कि जो थ्योरी छोटी मोटी देते रहते थे, कुछ वेरीफाई हुई कुछ नहीं हुई, मगर सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे महान जो बात साइंटिस्ट थे जिनको हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने पार्टिकल नेचर के बारे में अपनी गवाही दी, मतलब अपनी बात को कहा कि लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर है। तो ये थे सर आइज़क न्यूटन। ओके, आइज़क न्यूटन साहब ने सबसे पहले लाइट के बारे में आके पार्टिकल नेचर कहा कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, और इन्होंने कहा कि जो लाइट इज द कलेक्शन ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ओके, लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल का कलेक्शन है, छोटे छोटे एकदम पार्टिकल, इनको बोलते हैं कॉर्पसल्स। ओके, इन पार्टिकल का नाम उस समय न्यूटन ने कॉर्पसल्स दिया। आगे जाके इस थ्योरी को दे दिया गया न्यूटन की कॉर्पसल्स थ्योरी। ओके, मतलब इसको हिंदी बोलते हैं कॉर्पसल्स को कणिका, समझते हो ना, एक होता कंकड़ से भी छोटा जो होता ना कणिका। ओके, तो इसने न्यूटन की इस थ्योरी का नाम दे दिया कॉर्पसल्स थ्योरी। और कॉर्पसल्स क्या होते हैं? टिनी पार्टिकल ऑफ लाइट। आगे चल के इन टिनी कॉर्पसल्स के, लाइट के जो पार्टिकल थे, इन्हीं को क्या नाम दे दिया गया? इनको बोला गया फोटॉन। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल थे, आगे चल के इन्हीं को फोटॉन का नाम दे दिया गया है। ओके, तो यही कॉर्पसल्स जो है इन्हीं को बाद में फोटॉन बोला गया। अब देखो, जब ये थ्योरी प्रपोज की थी, तो जैसे कि मान लो ये कोई लाइट सोर्स है, ओके,
ये कोई समथिंग टॉर्च टाइप है, ये लाइट सोर्स है या कुछ भी है जैसे मान लो ये, तो यहां से अगर लाइट निकल रही है ओके, ये लाइट की रेज है तो लाइट निकल रही है, तो यहां पे न्यूटन साहब ने क्या बताया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइट के पार्टिकल हुआ करते हैं ओके, इनको बोला गया कॉर्पसल्स, और इन्होंने ये कहा कि दीज कॉर्पसल्स आर नॉट अफेक्टेड अपॉन बाई एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब इन इन कॉर्पसल्स पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है, मतलब कि ना तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, ना तो इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, मतलब बिल्कुल फ्री होते हैं ये कॉर्पसल्स, इन पर किसी भी प्रकार का फोर्स एक्ट नहीं करता है। और याद रखना बाद में इनको नाम को फोटोन बोला गया, उस समय तक इनका नाम कॉर्पसल्स था, मतलब कणिका या कण था, बाद में इसका यूज किया गया कॉर्पसल्स के नाम से ओके। तो ये स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट लाइन जो जारी है इसमें कौन रहते हैं, इसमें रहा करते हैं पार्टिकल, मतलब लाइट के पार्टिकल हुआ करते हैं जिनको उसने कॉर्पसल्स बोले थे ओके। तो इससे क्या लॉजिक मिला कि भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो पार्टिकल नेचुरली चलते रहेंगे स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं आएगा। अभी मैंने बताया ना ग्रेविटेशन एक्ट करता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, मतलब किसी भी प्रकार के फोर्स एक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए ये पार्टिकल जिंदगी भर अपनी स्ट्रेट लाइन में चलते रहेंगे, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन पाथ इनका मिल रहा है। और एक और बात, अगर आप यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो ये लाइट यहां पर आगे आने वाले रास्ते पे क्या हो जाएगी, अब्सेंट हो जाएगी, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, इसका शैडो मिलेगा ओके। भाई व्हाट इज शैडो, शैडो इज द अब्सेंस ऑफ लाइट। तो अगर ये लाइट जा रही है और अगर आप इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, अगर ये लाइट यहां से ट्रांसमिट नहीं हो पाती, देन यू विल हैव ए शैडो ओके। सो मेनली हमने क्या सीखा इस सेगमेंट में, दैट लाइट इज मूविंग इन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ओके, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शेडो, स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई आप ऑब्जेक्ट रख देंगे तो शेडो कास्ट होगी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। अब जैसे पहली बात तो समझ में आ गई कि स्ट्रेट लाइन पाथ में लाइट मूव करती है, सेकेंड बात जो न्यूटन ने समझाई थी कि रिफ्लेक्शन क्यों होता है और कैसे होता है ओके। तो रिफ्लेक्शन के लिए जिस कंसेप्ट का यूज किया न्यूटन साहब ने, रिफ्लेक्शन के लिए उन्होंने इलास्टिक कोलिजन कंसेप्ट का यूज किया कि लाइट जो होती है जैसे नॉर्मल पे आती है ओके, तो जिस वेलोसिटी से आती है उसी वेलोसिटी से टकरा करके, सॉरी स्पीड बोलूंगा मैं, वेलोसिटी नहीं यूज कर सकता, तो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं जिस वेलोसिटी से पार्टिकल्स आते हैं ये फोटॉन्स, क्योंकि ये पार्टिकल थे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा, और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए क्या कह दिया कि जिस वेलोसिटी से आते हैं उसी वेलोसिटी से ये चले जाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो गई, मतलब एक तरीके से समझ में आने वाली बात हो गई। अब जो दूसरी बात बताई उन्होंने ये क्या थी, रिफ्रैक्शन ओके। रिफ्रैक्शन देखिए, रिफ्रैक्शन के बारे में क्या समझा उन्होंने, अब देखिए रिफ्रैक्शन के बारे में जो बातें कही न्यूटन साहब ने वो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गए वो। उन्होंने ये कहा कि जैसे ही लाइट के पार्टिकल रेयर टू डेंसर मीडियम में आते हैं ओके, डेंसर मीडियम में आते हैं, तो जो डेंसर मीडियम होता है वो उसको अट्रैक्ट किया करता है, तो इस वजह से ये बेंड हो जाते हैं, और इसका कोई लॉजिक नहीं था कि ये अट्रैक्ट क्यों करता है, तो यहां पर ये न्यूटन साहब थोड़ा सा चूक गए ओके। फिर से एक बार बता देता हूं कि लाइट के जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो अगर रेयर टू डेंसर की तरफ आते हैं तो डेंसर मीडियम जो होता है लाइट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ये बात न्यूटन साहब ने बताई थी, बट इसके बारे में उन्होंने क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था तो उनको चुप होना पड़ गया ओके। तो ये थी अपने पास मतलब न्यूटन्स की कॉर्पसल्स थ्योरी ओके। तो उस समय के हिसाब से ये थ्योरी बहुत समय तक चली ओके, और माना भी, क्योंकि न्यूटन को ये ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत ही रेपुटेटेड साइंटिस्ट थे, तो न्यूटन की बातों पर लोग आंख मूंद करके विश्वास भी करते थे, और उन्होंने कह दिया ये अट्रैक्ट होता है तो होता है बस ओके, इसके बारे में जवाब तो नहीं दिया उन्होंने। हालांकि उन्होंने ऑप्टिक्स के कई सारे एक्सपेरिमेंट बाद में करे थे, उनका जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था ऑप्टिक्स का वो था प्रिज्म का एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, वो अपन थोड़े समय के बाद देखेंगे जब ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बाद, तो ही देखेंगे उसको ओके। तो ये तो हो गई पूरी न्यूटन की बात, अब चलते हैं आगे ओके दोस्तों। तो न्यूटन के कॉर्पसल्स प्रिंसिपल के बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट 1678 में क्रिश्चियन हाइगन्स ने प्रिंसिपल करी अपनी थ्योरी, जिसको हाइगन्स थ्योरी या हाइगन्स प्रिंसिपल बोला जाता है ओके। तो 1678 में क्रिश्चियन हाइगन्स ने अपनी थ्योरी पब्लिश करी, इसको हाइगन्स प्रिंसिपल बोला जाता है, और
क्रिश्चियन हाइगन्स ने क्या बताया, क्रिश्चियन हाइगन्स ने कहा कि जो लाइट का प्रपोगेशन है, ओके, लाइट का प्रपोगेशन इज ए वेव फिनोमेना, मतलब जो लाइट जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव चला करती है, ओके, लाइट का जो प्रपोगेशन है इट्स ए वेव फिनोमेना, बिल्कुल अलग बात कह दी इन्होंने न्यूटन साहब से। न्यूटन साहब ने बोला था कि लाइट का प्रपोगेशन है विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल हुआ करता है, और इन्होंने बिल्कुल जस्ट अपोजिट कह दिया कि लाइट का जो प्रपोगेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ वेव होता है, इट इज ए प्रपोगेशन ऑफ लाइट इज ए वेव फिनोमेना। अब एक मजे की बात ये देखो बच्चों कि जो हाइगन्स की थ्योरी आई थी, क्रिस्टन हाइगन्स की, वो 1678 में आई थी, मतलब न्यूटन साहब का जो टाइम था वो 1642 से लेके 1726, मतलब लगभग बीचों बीच में यहीं पर आ रहे हैं, ओके, तो मतलब कि न्यूटन के जमाने में ही क्रिश्चियन हाइगन्स की थ्योरी आ गई थी, ओके, तो कितनी बड़ी बात है देखो कि एक बहुत जब्बर साइंटिस्ट है उसके समय में आपकी ये थ्योरी आई है, तो आगे देखते क्या हुआ इस थ्योरी का। तो जाहिर था कि सवाल तो उठेंगे, भाई आप न्यूटन के जमाने के साइंटिस्ट हो, तो लोगों ने इनसे बोला कि अच्छा चलो भाई ह्यूजन साहब, आप ये देख जानते हो कि वेव तो टेढ़े मेढ़े ट्रेवल करती है, ओके, करती है ना, तो फिर आपकी लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल कर रही है, इस बात का जवाब दो, ओके, मतलब कि लाइट अगर आपकी वेव नेचर कह रहे हो आप कि वेव है लाइट, तो ये टेढ़े मेढ़े ट्रेवल होना चाहिए, बट न्यूटन साहब ने बताया है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसके माध्यम से आप इसके बारे में रिप्लाई करो कि ऐसा क्यों होता है। तो एक बार फिर से मैं सवाल दोहराता हूं, क्या पूछा गया ह्यूजन हाइगन साहब से कि आप जो है आपके लिए कह रहे हैं कि आपकी वेव है अगर लाइट, तो बताइए ये स्ट्रेट लाइन में फिर क्यों चल रही है। तो ह्यूजन का जवाब था कि जो लाइट है वो इसलिए स्ट्रेट लाइन में चलती है बिकॉज इसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत स्मॉल हुआ करती है, मतलब होती तो नैनोमीटर तक की है मगर मैं उसको बना नहीं सकता हूं, फिर भी इतनी स्मॉल वेवलेंथ होती है। अब इतनी स्मॉल वेवलेंथ की वाइब्रेशंस देखो कितने कमजोर हैं, ऐसे ऐसे, ओके, इस वजह से ये हमको जो होती है ये स्ट्रेट लाइन में चलती हुई दिखाई दिया करती है, क्योंकि इसके जो वाइब्रेशंस हैं स्मॉल वेवलेंथ है, ये देखो वेवलेंथ कितना छोटा है, ओके, सो स्ट्रेट लाइन में मूव करती बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच स्मॉलर देन द डायमेंशन, अब मच स्मॉलर, वेरी मच स्मॉलर। अब इसके बारे में थोड़ा सा प्रूफ के और बात करते हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ये तो बात हुई कि ये तो आपका जो है ये तो स्ट्रेट लाइन के जाने का डायरेक्ट प्रूफ हो गया कि मतलब आप कह रहे हो कि वेव जा रही है और वेवलेंथ छोटी है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में जाएगा, हमको स्ट्रेट लाइन दिखता दिखाई देगा। तो भाई इससे कहां साबित हुआ कि ये लाइट जो है आपकी जो वेव है, क्योंकि ऐसे तो स्ट्रेट लाइन में जो न्यूटन बोल रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में लाइट जाती है तो ऐसे तो उनका ही सही था, आपका कैसे हो गया। तो देखो उन्होंने क्या किया कि एक ऑब्स्टेकल लिया जिसको अपन स्लिट बोलते हैं या होल बोलते हैं, ओके, और उसमें से ये स्मॉल वेवलेंथ को गुजार करके देखा। तो अब ऑब्स्टेकल की बात आ जाती है, तो आप इसको ऐसे समझो कि आप यदि कोई आपके पास ऑब्स्टिकल है या कोई स्लिट है तो आप उसके अंदर से अगर लाइट के वेव को क्रॉस भी होने दोगे ना तो आपको स्ट्रेट लाइन नेचर समझ में आएगा, मगर यदि आप इस स्लिट के साइज को बहुत ही स्मॉल कर दो, ये देखो बिल्कुल नैरो बना दो, तो इस समय अगर आपके स्लिट से वेव यदि गुजारी जाएगी, ओके, तो इसका जो होगा वेव नेचर वो ओवर करके सामने आएगा। तो यहां से होती है वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत, ये जो नेचर यहां पे देखने को मिलेगा अब पता चलेगा, जिसको कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ओके, तो अब यहां पर वेव नेचर जो है अब यहां से क्लियर होगा, क्योंकि आपने ऑब्स्टिकल जो है या आपने जो स्लिट है वो इतना पतला कर दिया है कि वेव की सारी सच्चाई क्लियर हो जाएगी कि ये जो डांस हो रहे हैं अंदर वो आखिर सच में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, यहां से वेव की सही परीक्षा स्टार्ट होती है। तो हाइगन्स के इतना बताने के बाद भी करीब 200 साल तक लोगों ने इस बात पर बिलीव नहीं किया कि हाइगन्स की बात सही है कि ये लाइट का वेव नेचर है, ओके, उन्होंने कह तो दिया था कि अगर आप एक स्लिट का साइज आपको स्मॉल ले लोगे तो आपको वेव नेचर मेरा क्लियरली आपको दिखाई देगा, ओके, तो फिर भी उन्होंने ये बात नहीं मानी क्योंकि हाइगन्स का जो मतलब कहना चाहिए कि क्रिटिकल दिमाग का सोचने का नजरिया था वो बहुत स्ट्रांग था उस समय, आज से 400 साल पहले आप हिसाब लगाओ, तो उस फिर भी 200 साल तक लोग अंधविश्वास में बात मानते रहे कि इसकी बिकॉज न्यूटन द जायंट द ग्रेट साइंटिस्ट, ओके, उसके सामने कौन खड़ा होगा भाई, वो तो दादा है ना, तो इसलिए उनकी बातों पे विश्वास करते रहे। बट समय बदलते देर नहीं लगती है, 1801 में, ओके, फेमस साइंटिस्ट यंग्स
आप जानते हो आपके सिलेबस में भी है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो फेमस जो साइंटिस्ट थे यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया, और यंग्स ने क्या दिखाया बेसिकली, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। यंग्स ने दिखाया कि लाइट प्लस लाइट इक्वल्स टू डार्क, मतलब दो लाइट सोर्स आपस में मिलकर के डार्क। कभी सोचा आपने, है ना, अजीब सुनने वाली बात कि भाई दो लाइट वेव आपको मिल जाए और आपको अंधेरा हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये चीज यहां पर यंग्स ने बताई। और आप पार्टिकल की नजर से देखेंगे तो पार्टिकल प्लस लाइट पार्टिकल प्लस लाइट पार्टिकल इक्वल टू ब्राइट पार्टिकल आएगा, मतलब तेजी से चमकेगा। बट यहां पर इन्होंने बताया लाइट प्लस लाइट इक्वल टू डार्क, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, एक और बात करते हैं। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये स्क्रीन थी, ओके, और अगर आपके पार्टिकल होते, दो स्लिट से पार्टिकल जा रहे थे, तो यू नो पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो एक पैटर्न आपको यहां पे बनता स्पॉट पार्टिकल का और एक स्पॉट आपका यहां पे क्रिएट होता। बट यंग्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक स्पॉट यहां पे बन रहा था, फिर थोड़ी दूर यहां पे बन रहा था, फिर थोड़ी दूर यहां पे बन रहा था, फिर थोड़ी दूर यहां पे बन रहा था, फिर थोड़ी दूर, तो मतलब इतने सारे ब्राइट स्पॉट बन रहे थे और इतने सारे डार्क स्पॉट बन रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता भाई, क्योंकि पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ओके। तो इसलिए यंग्स ने एक्सपेरिमेंटली न्यूटन द जायंट की थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया। यंग्स ने गलत बता दिया कि न्यूटन साहब आपकी थ्योरी सही नहीं है, मतलब यहां पर इस वजह से ह्यूजेंस की थ्योरी बिल्कुल सही बैठ रही है। तो लाइट का बिहेवियर क्या देखा गया, मेनली यहां पे वेव बिहेवियर, ओके। तो देखा आपने कि 1801 के पहले तक करीब 200 सालों तक न्यूटन के कॉर्पसल्स कॉन्सेप्ट को सही माना जाता रहा कि बिल्कुल सही थ्योरी है न्यूटन की। देन उसके बाद जब ये इनका एक्सपेरिमेंट आ जाता है किसका, यंग्स का 1801 में, तो इसके बाद ये कैंसिल हो जाता है कि कॉर्पसल्स थ्योरी नहीं है। तो फिर से जो नए साइंटिस्ट होते हैं और जो अपने ह्यूजेंस होते हैं और भी नए सारे साइंटिस्ट, उनमें फिर से एक प्रतियोगिता और रेवलरी चालू हो जाती है कि जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है कि पार्टिकल नेचर रखती है। फिर से ये कहानी एक बार फिर से उसी जगह पे आ जाती है जहां से स्टार्ट हुई थी, ओके। तो ये फिर से एक बार ये प्रतियोगिता शुरू हो जाती है कि लाइट का वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर है। आने वाले समय में कई सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे, जैसे कि अगर ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूं जिन्होंने लाइट के वेव नेचर के होने के बारे में तस्दीक करी, मतलब वेरिफिकेशन किया कि लाइट जो है वो वेव नेचर ही है। तो उसमें से यंग्स का एक इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है जिसने लाइट के वेव नेचर की बिल्कुल पुष्टि कर दी कि लाइट वेव नेचर में होना चाहिए। डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट हुआ, ये इसने बताया। और जो मेन साइंटिस्ट जिन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया लाइट के वेव थ्योरी के पक्ष में, वो थे फ्रेजनल थे, फोकॉल्ट थे, मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को कौन नहीं जानता भाई। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने लाइट के, है ना, लाइट के वेव नेचर को तो बताया ही था कुछ एक्सपेरिमेंट से, और साथ ही साथ उन्होंने एक नई वेव के एग्जिस्टेंस के बारे में बता दिया था। उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक वेव जो होती है एग्जिस्टेंस, कौन सी वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था कि एक वेव हुआ करती है जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये सारे साइंटिस्ट थे और ये इनकी प्रोड्यूस किए हुए एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने टाइम टाइम पर लाइट के वेव होने के बारे में अपने अपने बातें कही कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है, ओके। बट फिर एक नई बात हो जाती है 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, बहुत ही महान साइंटिस्ट, बिल्कुल न्यूटन के जैसा अपना कद रखने वाले बहुत ही कद्दावर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन 20th सेंचुरी के स्टार्ट में स्टेटमेंट देते हैं कि लाइट जो है एक्चुअली वो फोटोन है, ओके। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलते हैं कि लाइट जो है एक्चुअली फोटोन है, या यूं कह लीजिए कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, ओके। मतलब फिर से घूम फिर के न्यूटन वाले पार्टिकल के पे कहीं ना कहीं आ गए कि लाइट जो है फोटोन से मिलकर बनी हुई है, और फोटोन कौन है भैया, फोटोन पार्टिकल है। मतलब फिर से कहीं ना कहीं क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, कॉर्पसल्स थ्योरी एक बार फिर से करवट ले ली है समय ने, इतिहास अपने आप को रिपीट कर रहा है। न्यूटन तो दुनिया में नहीं रह गए हैं, मगर आधुनिक युग के साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन बोल रहे हैं कि भैया जो लाइट है वो फोटोन से मिलकर बना है, और फोटोन जो होते हैं दोज आर एनर्जी पार्टिकल है। तो पार्टिकल मतलब पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट करना चाहिए,
ओके, तो आइंस्टाइन साहब ने तो कह दिया कि भाई जो एक्स लाइट है फोटोन से मिलके बनी हुई है, बट आप जानते हो कि अब साइंस के युग में दुनिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मांगती है। ओके, तो 20th सेंचुरी के स्टार्ट में जो है इन्होंने बताया था आइंस्टाइन ने कि लाइट जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मांगती है। ओके, सॉरी मैं गलत बोल गया, कि लाइट जो है मिलके बनी हुई है किससे, फोटोन से। और इसका जो वेरिफिकेशन था, उन्होंने इस वेरिफिकेशन को बताने के लिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो के रख कर रखा था किसने, 1900 में हालवच एंड लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट कर रखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया या यूज किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। और बहुत से लोगों को लगता है कि आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला हुआ है नोबेल प्राइज, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी तक काम चल रहा है, मतलब एक्सप्लेन नहीं हो पाया है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है या गलत है, उसका क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुआ है। जो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मिला है। ओके, इन्होंने मतलब ये कहना चाहिए लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया है विद टेकिंग द यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। एक मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करके लाइट के पार्टिकल नेचर को वेरीफाई किया है, और इसके लिए उन्हें, इस एक्सप्लेनेशन के लिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ओके, तो याद रखना कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर वन जो एक्सपेरिमेंट था उस पर नहीं मिला है, उनको एक्सप्लेनेशन का मिला है। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये लेनार्ड का था और हॉलविच का था, मगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको बहुत ही ब्यूटीफुली अपने फेवर में एक्सप्लेन किया। उनका एक्सपेरिमेंट अपने लिए उन्होंने यूज किया, और उनके इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था। ओके, और उससे बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपके पास एक मेटल की सरफेस होती है, और इस मेटल की सरफेस में हाई स्ट्राइकिंग फोटोन आया करते हैं, और फोटोन जो होते हैं मेटल के ऊपर के इलेक्ट्रॉन को, एक मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ निकलता है इसको बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सप्लेनेशन दो दिया था आइंस्टाइन ने, इसके आधार पर उन्होंने अपने लाइट रे के पार्टिकल नेचर की वेरिफिकेशन की थी कि मेरे लाइट जो है वो बना हुआ है किससे, पार्टिकल से। इस वजह से यहां पर उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज शायद 1921 में मिला है, और उन्हें ये जो नोबेल प्राइज मिला है वो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मिला हुआ है। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मिला है, और जिसमें उन्होंने ये लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट का यूज किया था। हुआ क्या था कि 1900 में हॉलवॉच और लेनर्ड ने एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मगर इसके बारे में उन्होंने क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। मतलब इसके अंदर से पार्टिकल क्यों निकलते हैं, उनका फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जो आप आगे पढ़ोगे। ओके, इसके बारे में क्लियर एक्सप्लेनेशन लेनर्ड नहीं दे पाते हैं, जिसको क्लियरली बताया किसने, आइंस्टाइन ने। इस वजह से उन्हें ये प्राइज मिला। तो क्या बात क्लियर निकल के जाती है यहाँ पे, कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। ओके, तो लाइट का पार्टिकल नेचर क्लियर कर दिया किसने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। तो फिर से एक बार हल्ला शुरू हो गया कि लाइट का पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। आइंस्टाइन ने कहा देखो ये कि अब लड़ने वाली बात नहीं है, लाइट जो है 1905 में आइंस्टाइन ने प्रपोज कर दिया कि जो लाइट का बिहेवियर है वो डुअल बिहेवियर है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने लाइट का जो बिहेवियर है उन्होंने कहा कि ये डुअल बिहेवियर है, इसमें लड़ने वाली बात नहीं है, आप दोनों लोग खुश हो जाओ, लाइट को गॉड ने दोनों बिहेवियर रखने के लिए बनाया है। तो फिर से न्यूटन को कहीं ना कहीं श्रेय मिलता हुआ, और ह्यूजेंस की भी बात सही होती हुई कि लाइट का वेव नेचर है, और न्यूटन की भी बात सही होती हुई, और उनके साथ साथ आइंस्टीन की भी बात सही होती हुई कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। तो लाइट को यहां से ड्यूअल नेचर का माना जाने लगा। सो आइंस्टाइन गॉड पे बिलीव भी किया करते थे, बहुत ज्यादा मानते थे वो सुपरफिशियल पावर को। सो फाइनली अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905 प्रपोज दैट द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट, ओके, दैट इज वेव और पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन इंट्रैक्शन विद सराउंडिंग। ठीक है, और एक बात मैं यहां पे और बताना चाहता हूं आपको, कि आपको यदि ये लगने लग गया है कि ड्यूअल बिहेवियर केवल लाइट का है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आगे जाकर के और भी पार्टिकल्स आए जिनका ड्यूअल बिहेवियर
क्लियर किया गया। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रॉन्स आए, तो इलेक्ट्रॉन्स का भी डुअल बिहेवियर पाया गया है और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है इलेक्ट्रॉन के देखे गए हैं कि जब हाई स्पीड पार्टिकल हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है तो उसका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न सामने आता है। ओके, तो ये बात हमें मना लेनी चाहिए, मन में बिठा लेनी चाहिए कि केवल डुअल बिहेवियर लाइट का ही नहीं हुआ है, कुछ पार्टिकल्स हैं उनका भी डुअल बिहेवियर आया है, एग्जिस्ट हुआ है। तो लग रहा है ना कितना इंटरेस्टिंग सुनने में कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर बहुत हाई स्पीड से आप मूव कराएंगे तो आपको भी इलेक्ट्रॉन्स के इंटरफेरेंस पैटर्न और आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेंगे, वैसे ही जैसे अभी हमने यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिला करते हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने पहले ही बोल दिया था क्लियरली कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की वजह से उसका हमें वेव नेचर देखने को मिल रहा है। तो हो क्या रही चीजें ऑब्जर्व की इलेक्ट्रॉन का हमें पार्टिकल का वेव नेचर देखने को मिल रहा है, वेव का पार्टिकल नेचर देखने को मिल रहा है, कोई कहीं पर फिट हो रहा है। ओके, तो मन में एक सवाल उठ रहा है कि सर हम कैसे जानेंगे कि कहां पर कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा, कहां पर किसी पार्टिकल का वेव नेचर आएगा, किसी वेव का पार्टिकल नेचर आएगा। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं इंट्रैक्शन विद सराउंडिंग पर, डिपेंडिंग ऑन द इंट्रैक्शन विद सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब जो ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल का साइज क्या है, ऑब्स्टेकल का साइज डिसाइड करेगा कि आपका जो वेव है वो पार्टिकल नेचर दिखाएगा या कोई आप स्ट्रीम आ रही है उससे आपको पार्टिकल नेचर देखने को मिलेगा या वेव नेचर देखने को मिलेगा। वो विल डिसाइड द पार्टिकल, द साइज ऑफ द पार्टिकल विल डिसाइड दिस एंड ऑल्सो द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, क्योंकि रिलेटिव जो कंपेरिजन होना है वो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, और यदि आप ऑब्स्टेकल की बात कर रहे हो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, और अगर पार्टिकल की बात कर रहे हो तो साइज ऑफ पार्टिकल के बीच में होना है। तो यदि क्लियर कट देखा जाए तो अगर वेव नेचर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो जो आपका ऑब्स्टेकल का साइज होगा वो लाइट के वेवलेंथ के साइज के इक्वल होना चाहिए है, तब आपको इसका वेव नेचर दिखाई देगा। ओके, मतलब बहुत ही कम साइज होना चाहिए ऑब्स्टेकल का स्लिट का, तब आपको वेव नेचर दिखाई देगा। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है तो हम तो देख ही रहे हैं अपनी जिंदगी में लाइट का पार्टिकल नेचर, अगर मतलब ये सिचुएशन नहीं हो रही है, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो अपन को पार्टिकल नेचर जो हम लोग देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, शेडो बन रही है, तो ये सारी चीजें तो हमको कॉमन लाइफ में देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, तो हमने क्या सीखा कि लाइट, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि लाइट जो है, लाइट इज एक्टिंग एज बोथ पार्टिकल एंड वेव फिनोमेना, मतलब लाइट के दोनों ही कैरेक्टर हैं, सिचुएशनल कैरेक्टर हैं, कहीं पर ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी और कहीं पर वेव की।